निर्णय किया सब कुछ छोड़ के मैं अपने अन्नदाताओं के बीच में आऊंगा। सिंधिया परिवार का मुखिया जब आपके यहाँ खुशी का माहौल है नहीं आएगा, पर दुख का माहौल है तो आपका दुख बांटने के लिए मुखिया आपके बीच में जरूर आएगा। मैंने दोनों गांव, बड़का गांव और ये वाले गांव बराना, दोनों का मैंने सर्वेक्षण कर लिया है। मैंने प्रशासन को भी कह दिया है ठीक से सर्वेक्षण होना चाहिए। पिछले बार, ये पहली बार नहीं हुआ है, निरंतर दो साल से हो रहा है और हर बार किसान अपना फसल अपनी मेहनत मशक्कत से डालता है और हर बार किसान का नुकसान हो रहा है। प्रकृति देवता भी हमारे ऊपर दया करे, पर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, मैं आपके साथ खड़े हुए हैं, चिंता मत करना। बहुत पूरा सर्वेक्षण होगा और मैंने कहा है कि सर्वेक्षण जल्दी जल्दी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले दिन में केवल दिखता है 20% नुकसान हुआ है और वो फसल सड़ दी जाती है और फिर 80% खत्म हो जाती है दो तीन दिन बाद। हाँ, 48 घंटे में के बाद सर्वेक्षण हो। महाराज और भैया एक मिनट, जो अभी सबसे ज्वलंत मांग है, मैं पहले उसकी बात करूँ, ठीक है। 48 घंटे में आप लोगों का सर्वे होगा, मुआवजा राशि भी आप लोगों को मिले, ये हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। नंबर एक। महाराज, नंबर दो, एक मिनट, ये सड़क का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। आप लोगों की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आया मेरे पास, पर मैंने इस केंद्र सरकार से मंजूर करके आपके लिए स्वर्ग की तरह सड़क बना दी। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपका और मेरा संबंध है, आज का संबंध नहीं है, कल का संबंध नहीं है, परसों का संबंध नहीं है, 250 वर्ष पुराना संबंध है। माधव महाराज और अन्नदाताओं का संबंध है, तो मखमल की तरह अब ये सड़क बन गई है आपके लिए। अब मैं जानता हूँ कि सिंचाई की कठिनाई है, मैं जानता हूँ। मैं पिछले बार रानी घाटी में आया था और गौशाला के कार्यक्रम में, जी जी, मैं जानता हूँ।